प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आप सभी को कक्षा 6 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दुष्ट मुखिया। यह एक कहानी है। आइए जानें इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो दुष्ट मुखिया यानी यहाँ इस कहानी में एक मुखिया के बारे में बताया जा रहा है जो कि बहुत ही दुष्ट है। तो आइए पढ़ते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि व्यक्ति में बुराई खोजने की, उसमें से अच्छाई देखने का नज़रिया जैसे समाप्ति हो जाता है। उसके द्वारा किए गए अच्छे काम को ध्यान में ना रखकर उसमें अवगुणों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष जरूर होते हैं, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी होती हैं। वे उन अच्छाइयों को उजागर नहीं करते, बल्कि बुराइयों को ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई को ही सब जगह पसंद किया जाता है, ना कि बुराई को। तो आइए जानें इस पाठ के आधार पर कि अच्छाई और बुराई के बारे में क्या बताया गया और किस प्रकार मुखिया के बारे में बताया गया। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम अनिल रखा। अनिल के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके 3 लड़के लड़कियाँ भी हुई, फिर उनमें से प्रत्येक गृहस्थी हो गया। अनिल बड़ा अच्छा आदमी था, कभी जीव हत्या नहीं करता, दूसरों की चीज़ नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता और कोई नशा भी नहीं करता था और दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता था। अनिल जिस गांव में रहता था वह एक बहुत छोटा गांव था, उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 300 घरों के गृहस्थों को किसी काम से एक जगह मिलना था, पर गांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सभी एकत्र हो सकें। अनिल भी उन लोगों में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने उस जगह को धूल मिट्टी साफ किया। उस स्थान को साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। अनिल उससे कुछ ना कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर तीसरे आदमी आधम का। इस तरह एक एक जगह साफ करते करते वह एक एक आदमी के लिए जगह साफ करता गया और अंत में उसने सबके लिए जगह साफ कर दी। बाद में जिसका जो काम था कर करके उन्होंने वहाँ एक चबूतरा तैयार किया। वहाँ से यथासमय आने बैठने और आमोद प्रमोद करने लगे। गांव में कोई नया आदमी आता तो वह भी वहीं जाता। इस तरह उसके दिन कटने लगे। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीज़ों को इकट्ठा भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह से वहाँ समय अनुसार आते बातचीत और आमोद प्रमोद करते थे। सुबह सुबह उठकर वे अपने अपने घर का काम काज कर लेते, फिर अपना खुरपा हंसुआ कुदाल से बाहर होते और चौरास्ते पर या कहीं अगर काट पत्थर रहता तो हटा देते। गाड़ी या आदमी जाने में यदि किसी प्रकार की बाधा है संभावना होती तो उसे काट कर फेंक देते या काट देते। ऊंची नीची जगहों को बराबर कर देते, जरूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो हो सकता करते थे। अनिल के गुण इस गांव के सभी लोग सब बातों में खूब अच्छे हो गए। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा, बात क्या है, पहले तो गाँव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण मेरी आमदनी भी हो जाती थी। शराब पीकर वे अनशन काम करते थे और उनके लिए वो जुर्माना भरते थे। इस अनिल ने गांव को ऐसा बनाया है कि ये ना शराब पीते ना जीव हिंसा करते हैं। सभी भले मानस हो गए हैं। अच्छे ठहरो, राजा के पास शिकायत करके देखता हूँ कि ये कौन भले मानस हैं। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं। इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया, कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल हो है। राजा ने उनमें से ना तो किसी से पूछा और कहा, तुरंत हुक्म दिया, जाओ हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे व चौड़े आंगन में उन्हें बांध कर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में से अनिल भी एक था। उसने उन सबको पुकारा, कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हमें मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध ना करना। जैसा अपना शरीर हमें अच्छा लगता है
उसी प्रकार हम जैसे प्रेम करते हैं राजा के शरीर से भी हम लोगों को वैसे ही प्रेम करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी अनिल जो है सभी लोगों को समझाता है कि हमें इस बात का दुख नहीं करना चाहिए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि वह इन लोगों को कुचल दे, पर वह किसी तरह आगे ना बढ़ सका। फिर तीसरा चौथा इस तरह बहुत सारे हाथी मंगवाए गए पर एक भी आगे नहीं बढ़ सका, सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है, अच्छा इनके हाथ खुलवाकर देखो। राजा के जब हाथी उन पर चढ़ने को तैयार नहीं होता तो राजा को ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ ऐसी दवाई है जिसके कारण हाथी इन पर नहीं चढ़ रहा है। आदमियों ने खूब खोजा मगर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो राजा कहते हैं कि लगता है कि ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। उन्हें खुद ही पूछा, क्यों जी तंत्र मंत्र जानते हो? अनिल ने कहा, महाराज हम लोग कोई मंत्र नहीं जानते, हम 300 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते और शराब भी नहीं पीते, सबको मित्र समझते हैं, जो होता है सो काम करते हैं, ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं, लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और बना देते हैं। महाराज हम लोग कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते तो बस यही कोई मंत्र नहीं जानते। राजा उनकी बातें सुनकर बड़े खुश हुए। मुखिया की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई और उन आदमियों को उनका गांव और एक हाथी दे दिया गया। इस प्रकार मुखिया को उसके लालच और उसकी बुराई का बुरा फल मिला और अनिल और उनके साथियों को उनकी अच्छाइयों का अच्छा फल मिला। तो बच्चे इस पाठ के आधार पर लेखक आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सच्चा मंत्र अहिंसा सत्य एवं परोपकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।